हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं दो तीन एयर ड्रॉप्स के अपडेट देने वाला हूँ। साथ में आपको एक न्यू एयर ड्रॉप बताऊंगा जिससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी पहले मैंने ये दिया था आपको एयर ड्रॉप BETC टोकन का, दो मैंने दो एयर ड्रॉप दिया था, साथ में एक LDT टोकन का अपडेट दिया था लिब्रा ड्रैगन का। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें मैंने सब कुछ प्रॉब्लम बता दिया, तो मैंने बोला था कि यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी अपडेट हो जाता है तो मैं तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके सारे अपडेट दे दिए थे, क्योंकि बहुत लोगों के टोकन रिसीव नहीं हो रहे थे। तो वो इसका रीज़न ये था कि आपका मीन्स वॉलेट एक्टिवेट नहीं है। तो वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए आपको कोई एक ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने बोला था 0.1 TRX ऐड कर लो। तो उसके और मैंने सबको मीन्स बहुत सारे यूजर्स को मैंने 0.1 TRX सेंड किया था। तो अभी ये 0.1 TRX जैसे ही ऐड कर लोगे, मीन्स आपने अगर विड्रॉ लिया है तो आपका विड्रॉ अगर ट्रस्ट वॉलेट में कहीं शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो 5 मिनट के अंदर तुरंत के तुरंत, क्योंकि उसका इंस्टेंट विड्रॉ होता है, तो अगर आपका शो नहीं कर रहा तो आपको मीन्स आपका वॉलेट एक्टिवेट नहीं है। तो उसके लिए आपको 0.1 TRX ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऐड कर लोगे तुरंत 1-2 मिनट के बाद आपको तुरंत वो टोकन शो हो जाएगा। और उसका और मैंने एक एक चीज़ और बताया था कि आप अगर ये टोकन सर्च करते हो BETC टोकन ट्रस्ट वॉलेट में, तो आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बोला था, आपको TRX का एड्रेस देना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी सब लोग बोल रहे हैं कि मैं TRX ऐड कर रहा हूँ, मेरे को 10,000 TRX नहीं मिला। कुछ लोग मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यार, मिस TRC20 है तो मिस TRX का एड्रेस देना, मैंने ऑलरेडी बोला था। और ERC20 रहता है तो हमें इथेरियम का एड्रेस देना होता है। मिस हर एयर ड्रॉप में आपको यही तो पूछता है, ERC20 एड्रेस, वो भी ट्रस्ट वॉलेट का सिर्फ, मिस और एटॉमिक वॉलेट का भी दे सकते हो। मिस जो ERC20 या TRC20 वॉलेट सपोर्टेड होते हैं वही उसी का एड्रेस दे सकते हो। अगर आप कॉइन स्विच का दे रहे हो, कॉइन बेस का दे रहे हो, कॉइन DCX का दे रहे हो, किसी और एक्सचेंज का एड्रेस दे रहे हो, तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वैसे मैंने पूरा बताया था, तो अभी ये आपको अगर रिसीव हो गया होगा तो अच्छा है, और ये तो मीन्स बहुत लोगों के तुरंत रिसीव हो गया था, तो ये मैंने पूरा बता दिया था। नेक्स्ट एयर ड्रॉप मैंने FIO का दिया था, तो इसमें अभी प्रॉब्लम कि मीन्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 500 टू मीन्स बहुत ही कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि ये गिव अवे था और ये रैंडम, क्योंकि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये रैंडम मीन्स किसी को मतलब गिव अवे मिला, तो मेरे को खुद को नहीं मिला, तो मैं ये एक यूज़र को मिला था, मैं उसका बता रहा हूँ। तो ये देखो 30 FIO, मैक्सिमम लोगों को 30 FIO मीन्स मैक्सिमम लोगों को 30 FIO मिला, 70 तो मीन्स मुझे लगता है रेयर होंगे। तो अभी 70 जिसको 30 मिला मैं बता देता हूँ, 10 भी जिसको मिला, तो मैं ट्रेडिंग का मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी मैं पूरी डिटेल्स में अगर डीप में जाना मैं रात में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं एक जस्ट हिंट दे दे रहा हूँ कैसे आपको ट्रेड करना है। तो पहले अगर आपके पास 30 FI हो तो आप लोग ट्रेड करने जाओगे, तो USDT में ट्रेडिंग होगा, तो USDT में आपने ट्रेड कर लिया। आप लोग सब लोग क्या करते हैं, TRX में ट्रेड करते हैं, लेकिन आप TRX में ट्रेड करोगे तो TRX में ट्रेड होगा कि होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम 400 TRX चाहिए, और 400 TRX में अप्रॉक्स $10 के आसपास होता है, और ये 30 FIO की वैल्यू होता है 8.3, मैंने कल रात में देखा था 8.34 ऐसा राउंड ऑफ था। तो आपका ट्रेडिंग तो USDT में हो जाएगा, उसके बाद आप लोग TRX में मीन्स TRX में ट्रेड कर नहीं पाओगे। तो और फिर USDT में विड्रॉ लेने जाओगे तो फी आपको पता ही है कि $2 से $3 फी होगा। ERC20 में, TRC20 में 0 है, और मिनिमम भी 10 USDT होना चाहिए। तो मैं एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, तो ये पहला तरीका है कि मीन्स अभी ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बता दे रहा हूँ कि आप $10 के TRX डिपॉजिट करो, उसको USDT में ट्रेड करो, फिर पूरा का पूरा जितना भी हो जाता है उसको आप लोग ट्रेड कर लो फिर से TRX में, फिर विड्रॉ ले लो, क्योंकि TRX का विड्रॉ फी 1 है। लेकिन मैं सेकेंडरी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने ये खुद किया है, इसमें आपका फी बहुत ही कम लगेगा। मैं आपको 2 USDT या 1 USDT जितना भी चाहिए उतना मैं आपको दूंगा, मीन्स मिनिमम 10 USDT विड्रॉ है, तो मैं आपको जितना भी आपको, अगर आपके पास 8.5 है तो मैं आपको 1.5 USDT आपको दूंगा, वो भी फी समझ लो 0.7 फी रहेगा, मीन्स 1-2 रुपये इसके आसपास फी रहेगा, क्योंकि वो भी TRC20 में मैं उसको सेंड करूंगा। तो आपके पास जैसे USDT आ जाएगा वो, तो मीन्स 5 मिनट में आ जाएगा आपको USDT, फिर वो पूरा USDT आप TRC20 में विड्रॉ ले लो। अगर आप TRC20 को अगर आप लोग मीन्स वो कर सकते हो, सेल कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग मुझे दे देना। वैसे TRC20 मैं पहले बताऊँ, ERC20 में फी $2 से $3 होगा, TRC20 में 0 होता है, लेकिन ERC20 आप लोग कहीं TRC20 कहीं पे आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे, मीन्स क्योंकि ERC20 हर जगह लिस्टेड होता है, TRC20 हर जगह लिस्टेड नहीं होता। सो अभी क्या करना, TRC20 मुझे दे देना, मैं आपको
पेटीएम कर दूंगा जितना भी होगा। तो ये एक तरीका, बाकी ये दोनों मेथड मैं रात में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फिर भैया अगर किसी को डाउट हुआ तो। और नेक्स्ट जो अभी एयर ड्रॉप मैं देने वाला हूँ ये रहा बिटरी के तरफ से, BFT टोकन मिलेंगे सबको। तो इसका मैंने बताया था, फिर भी बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कैसे मिलेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे मिलेगा। तो ये पहले एक्सचेंज का टोकन है, मीन्स ऐसे ट्रस्ट वॉलेट का TWT टोकन है, वैसे ये बिटरू का BFT टोकन है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हाई होती है, मीन्स तुरंत के तुरंत तो नहीं हो जाता, मीन्स 2-3 महीने लग जाते हैं, टाइम लगता है इंक्रीज होने में। मे भी अच्छा हुआ तो ये 1 महीने के अंदर ही अप हो जाएगा। अभी इसका 10 टोकन का वैल्यू $1 है, मीन्स आपको तो अगर 10 टोकन मिल रहा है तो आपको $1 समझ लो उसकी वैल्यू है। तो इसकी प्राइस इंक्रीज होगा वैसे बाद में होगा। तो अभी मैं बता दूं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, या फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए तो क्लिक हियर ये करके दिया, यहाँ से ये सीधा ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही ओपन करोगे आपका सीधा ये क्रोम वाला, ये जैसे ये आपका बाई डिफॉल्ट जो भी ब्राउजर होगा इसमें ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लिखा रहेगा लॉग इन टू रजिस्टर, यहाँ पे लॉग इन टू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री, यहाँ पे अगर आपका आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो ठीक है, आप लोग अपना लॉग इन कर लो, नहीं तो यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना। यहाँ पे अपना क्या करना है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा वो मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या रहेगा। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे सेंड कोड करना, आपको कोड आपके सेंड हो जाएगा, वो अपडेट फोल्डर में आपके ईमेल आईडी में, अपडेट फोल्डर या प्रमोशन फोल्डर में किसी में शो हो जाएगा। यहाँ पे OTP डाल देना, फिर पासवर्ड हार्ड पासवर्ड मीन्स कैपिटल स्मॉल, फिर कैरेक्टर नंबर, ये सब मिक्सअप होना चाहिए। और ये कैप्चर सॉरी ये कैप्चर फिल करना, यहाँ पे साइन अप कर लेना, तो तुरंत के तुरंत आपका सक्सेसफुल साइन अप हो जाएगा। और हाँ, आपका मीन्स आपका अगर सपोज साइन अप ने किया आपका पेज यहीं पे होल्ड हो गया, मीन्स आपका आपने मतलब साइन अप कर लिया कोई एरर नहीं आया, मीन्स आपका पेज यहीं पे होल्ड, मीन्स आपके सारे डिटेल्स यहीं पे पड़े हैं, तो आपका समझ जाना साइन अप हो गया, क्योंकि आपको तुरंत एक थोड़ी देर बाद मेल आएगा कि आपने सक्सेसफुली साइन अप हो गया। तो चीज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ शायद बग चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है कि आप लोग अगर सारी डिटेल्स डाल के साइन अप करते हो तो इसी के पेज पे होल्ड रहता है, कुछ आगे बढ़ता नहीं है। फिर क्या कर लेना, आप लोग लॉगिन कर लेना, और लॉगिन पहले डेस्कटॉप मोड में, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड में करके फिर लॉगिन करना। और ऐप में ये पूरा प्रोसेस मैं जो बता रहा हूँ ऐप में मत करना, इसी में करना, इसमें थोड़ा मीन्स आपको ईजी पड़ेगा इसमें ब्राउजर में। तो ये आपका जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो कर लिया है, तो ये मैंने ऑलरेडी कर लिया, देखो लॉगिन मैंने, आपने आपको भी ऐसे ही लॉगिन कर लेना, आपने सक्सेसफुल साइन अप किया। और साइन अप करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके अकाउंट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे देखो प्रोफाइल पे क्लिक करके अकाउंट पे क्लिक कर देना। अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको इस पेज पे आओगे, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप लोग वेरीफाई वेरीफाई करोगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको गूगल ऑथेंटिकेशन बाइंड करना है। तो गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे देखो सिक्योरिटी पे आ जाना, तो यहाँ पे क्या करना आपको बाइंड पे जाना है, ये देखो आपका ये सक्सेस ये मेरा हो गया, यहाँ पे आपको बाइंड पे जाना है। बाइंड पे जाके गूगल ऑथेंटिकेशन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वैसे होगा ही सबके पास, नहीं तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, ये आपको एक फेस की देगा, ये देखो सीक्रेट की है, ये आपको शो नहीं कर रहा होगा, ये सीक्रेट की कॉपी करना है, या फिर अगर आप लोग दूसरे मोबाइल में तो ये बार कोड स्कैन कर सकते हो। तो ये सीक्रेट की कॉपी करके आप कॉपी करना है, तो आपको क्या करना है सीधा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप में आ जाना है। ऐप में आने के बाद मैं बताता हूँ क्या करना है, ऐप में आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोड करना है तो स्कैन कोड कर लेना, नहीं तो यहाँ पे इंटर सेटअप की में वो की पेस्ट करना, ये आपको शो नहीं कर रहा होगा, ये इनका मीन्स प्राइवेसी है। और यहाँ पे फिर अपना नाम डाल देना, जो भी नाम आपका डालना है, तो मैं यहाँ पे बिटरी डाल देता हूँ, यहाँ पे फिर ऐड कर लेता हूँ। तो ये आपको 30 सेकेंड्स का हर बार थर्ड मीन्स 30 सेकेंड में आपको कोड देता है, तो मैं ये कोड कॉपी करके फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आई एफ बाइंड पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कोड पूछेगा, जो भी आपने कोड कॉपी किया ये कोड कॉपी कर यहाँ पे सबमिट कर देना। तो ये रहा आपका सक्सेसफुली बाइंड हो गया, यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ, ये मेरा सक्सेसफुल बाइंड हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे फिर से माई इन्फो पे आ जाना है, यहाँ पे आपको और आपको मोबाइल नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे भी यहीं पे सिक्योरिटी में आपको ऊपर मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, ऐड कर लेना मोबाइल नंबर। यहाँ पे फिर से वेरीफाई पे जाना है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी मैंने अपने मेन अकाउंट में कर लिया सब कुछ, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। तो आपको लोग अगर आधार कार्ड या उससे कर रहे हो वोटर आईडी से, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी कंट्री है, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस से कर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेना, या नेशनल आईडी से आधार कार्ड जैसे वो सब है, तो यहाँ पे अपना नाम जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नाम है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, फिर जो आपका आधार कार्ड नाम या वोटर आईडी नंबर जो भी है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वो डाल देना है। फिर अगर आपके पास मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हो तो उसमें एक्सपायरी डेट होता है, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना। अगर नहीं है, अगर आप लोग आधार कार्ड का डाल रहे हो तो यहाँ पे नो एक्सपायरी डेट पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट पे करने के बाद ओके
यहाँ पे अभी देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रेसिडेंशियल इन्फो में आपको पूछेगा एड्रेस, मीन्स आपको एड्रेस वो फोटो अपलोड करने के लिए। तो आपके पास अगर पेटीएम का बोलते हैं, पेटीएम का अगर है तो आप लोग पेटीएम का मीन्स वो अकाउंट क्या बोलते हैं स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो पेटीएम बैंक का, नहीं तो आप लोग पासबुक का अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आपके पास गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, कोई भी मीन्स आपके लास्ट 3 मंथ का कोई भी एड्रेस प्रूफ है तो आप लोग शेयर कर मीन्स अपलोड कर सकते हो। जस्ट फोटो खींचना, अपलोड कर देना, और जैसा भी एड्रेस उसमें है वही एड्रेस डालना, भले आपका आधार कार्ड का एड्रेस अलग हो और जो आप लोग इसमें एड्रेस अलग कर रहे हो तो अलग हो तो चलेगा। जैसे कि मैंने जो रेसिडेंशियल इन्फो में मेरा एड्रेस जो है गुजरात का, और मैंने जो अपलोड किया डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो मेरा आधार कार्ड का वो यूपी का एड्रेस है, तो आप एड्रेस अलग हो चलेगा बट आपने मतलब सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट सेल्फी में आपको क्या करना रहेगा कि वही चीज़ है, आपको आधार कार्ड का फ्रंट बैक या ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी है, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट उसका फ्रंट बैक अपलोड करना है, और साथ में आपको एक सेल्फी, उसमें नाम बिट्रियो और नीचे आज की डेट वो, और डॉक्यूमेंट लेके आपको सेल्फी अपलोड करना। और इसका आपको 1-2 घंटे के अंदर आपका सीधा आपको केवाईसी हो जाएगा, उसका कोई मेल नहीं आएगा। आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे सीधा लिखा आएगा माई इन्फो में, यहाँ पे आओगे तो आपको सीधा दिखाएगा कि यहाँ पे आईडी सक्सेसफुली ग्रीन कलर में शो हो जाएगा कि वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे अब सीधा आपको इसी पेज पे आ जाना है, मीन्स आप जैसे ही मीन्स स्टार्टिंग वाले पेज पे आए थे ना, मीन्स आपको बंदा बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाले पेज पे आए थे, ये वाले पेज पे फिर से आ जाना, यहाँ पे आपका ऑलरेडी लॉगिन रहेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको पहले ये मैं बता देता हूँ, अब आपको कैसे मीन्स रिवॉर्ड कैसे मिलेगा वो मैं बता दूँ, इसके मीन्स कैसे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे आपको मीन्स आप इनको इनका आप लोग प्रमोशन मीन्स आप शेयर करते हो इनका लिंक, और इनके ट्विटर पे लिंक शेयर करते हो या कहीं पे भी शेयर करते हो, तो उसका आप लोग ये मीन्स up to 100 BFT टोकन्स देते हैं। मीन्स आपको क्या करना है सीधा शेयर नाउ पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे फिर से आपको नीचे ये मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, ये देख लो मैंने फिर से लॉगिन कर लिया और इसी पेज में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि BFT टोकन अगर आप लोग सॉरी BRT टोकन अगर आप लोग होल्ड करते हो, मीन्स लार्ज अमाउंट में अगर BRT टोकन होल्ड करते हो तो आपको BFT टोकन मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और कब मिलेगा वो भी बता दो, और इसका लास्ट में मैं बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, इसके वैल्यू सब कुछ बता देता हूँ। तो ये तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये तो मुझे करना नहीं है। सेकंड आपको ये देखो मैं यहाँ पे मैंने बताया कि आप अगर शेयर करते हो ट्विटर पे तो रिवॉर्ड जैसे मेरे को मिल गया 1.3 BFT, मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया, तो आपको कुछ भी मिल सकता है 1, 2, 3, 10, 20, 90, 100 कुछ भी मिल सकता है आपको, क्योंकि अप टू 1000 है। और अगर आप लोग लकी रहे मीन्स आपका अगर ट्विटर पे ज़्यादा फॉलोअर्स है, मीन्स ज़्यादा लाइक रीट्वीट कुछ भी आता है, मीन्स अगर आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो मीन्स आपको ज़्यादा मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा चांसेस है मिलने के। तो यहाँ पे ये इसका भी डिटेल्स है ये, और ये मैं बता देता हूँ ये आपको इंस्टेंट आपके सीधा मीन्स वॉलेट में शो करेगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ 1.3 मेरे वॉलेट में शो करेगा। तो यहाँ पे ये अभी देखो ये शेयर नाउ पे मैंने बताया, शेयर नाउ पे क्लिक करके ट्विटर पे जाना, ट्विटर पे आप लोग जैसे ही मैं अभी बता ही देता हूँ कैसे करना है, ट्विटर पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, टेलीग्राम का मुझे आइडिया नहीं है, और यहाँ पे मैं इसको ऑथराइज कर देता हूँ। सो ये देख लो जैसे ही आप लोग ट्विटर पे क्लिक करो तो यहाँ पे क्या करना आप लोग ट्वीट पे क्लिक कर देना, तो आपका सक्सेसफुली ट्वीट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मेरा ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल गया। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग ट्विटर पे इस पर आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑलरेडी लिखा रहेगा, ये मैंने टाइप नहीं किया, सब कुछ ऑलरेडी लिखा रहेगा। तो ये रहा सेकंड का, मैंने बता दिया कि सेकंड का आपको ये देखो मतलब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत हो जाएगा। थर्ड का आपको कैसे मिलेगा, रेफरल से, पर रेफर आपको 40 BFT टोकन मिलेगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये भी आपको क्या करना है, जो भी इनवाइट करोगे उनको आपको KYC करना पड़ेगा, तभी आपको तुरंत के तुरंत जैसे वो लोग KYC करते हैं तो आपको 40 BFT टोकन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे शेयर ना करके अपना लिंक, आपको जो भी लिंक मिलेगा वो लिंक से आपको शेयर कर देना। लास्ट जो है कि अगर आपका जो फ्रेंड है वो BFT टोकन अगर परचेज करता है तो तब आपको इसका वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये भी जो मैं छोड़ देता हूँ, तो ये अब मैंने बता दिया कि दो चीज़ें हैं, एक आपका शेयर अगर आप लोग लकी हुए तो आप में भी आपको 100 टोकन मिलेगा, 100 टोकन का मैंने बताया कि $10 है, नहीं तो आप लोग रेफर अगर कर सकते हो 2-3 रेफर कर सकते हो तो आपको मैंने बताया पर रेफर आपको 40 टोकन मिल रहा है, मीन्स $4 आपको पर रेफर मिल रहा है। और इसका फ्यूचर में प्राइस समझ लो बहुत ही हाई होगा, अभी ट्रस्ट वॉलेट का ही एग्जाम्पल देख लो, 2 मीन्स 1000 टोकन का वैल्यू था, मीन्स 2-3 डॉलर था। मैंने लास्ट जो ट्रेडिंग किया था सबसे कम में वो 2.93 पे मैंने ट्रेड किया था, और हाईएस्ट अभी देख लो था 40-50 डॉलर अप्रॉक्स चल रहा है 1000 टोकन का वैल्यू, बहुत ही। अब तो ये मैंने बता दिया, अब मैं बता देता हूँ ये वॉलेट में आपको कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना, प्रोफाइल में आ जाना, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे देखो माई एसेट्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है,
और यहाँ पे सो ये देख लो, अगर आप बाई चांस अगर आप लोग आपका नेटवर्क बाबा अम्मी साहब का अगर आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है तो ये लॉग आउट कर देगा बार बार। तो वही हो रहा है मेरे पास, मैं बाबा वाईफाई से हो रहा हूँ कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो रहा हूँ, तो ये मेरे को लॉग आउट कर देता है। ये देखो मेरे को 1.3 मिला है, जिसकी प्राइस देख लो $0.13, 1.3 USDT है। तो मैंने ऑलरेडी जैसे बोला 10 टोकन की वैल्यू $1 है, तो ये देखो वो भी आपको इंस्टेंट मिलेगा। मिस आपका जैसे रेफर किया 40 और उन्होंने KYC कर लिया, तुरंत के तुरंत उनका KYC सक्सेसफुल हो गया, तो आपका तुरंत वो आपके रिवॉर्ड आपके शो कर जाएगा। और फिर देखो आपका यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे माई अकाउंट पे अगर आप लोग रेफरल चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे पार्टनर में आना है। पार्टनर में आने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा, मीन्स यहाँ पे जैसे अभी मेरे 0 है तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि जितने भी रेफरल होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे पूरा दिखाएगा कि इनका KYC हो गया कि इनका नहीं हुआ है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। तो देखो सब कुछ बता दिया। और हाँ, ये आपको इसका ट्रेडिंग जो है 11 सितंबर से होने वाला है, मीन्स अगले मंथ में, और इसका भी बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और 11 सितंबर से इसका ट्रेडिंग वोडिंग सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो इसका मैं और भी अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पे दे दूंगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।